हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अक्टूबर 2022 से बदल जाएगी मिड डे मील योजना में परिवर्तन लागत। जी हाँ दोस्तों, पीएम पोषण योजना या मध्यान्ह भोजन योजना या मिड डे मील योजना में अक्टूबर 2022 से जो कन्वर्जन कास्ट है, जो कुकिंग कास्ट है, जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, जो मटेरियल कॉस्ट है दोस्तों, वो बदल जाएगी। 9.6% इसमें इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं बालवाड़ी में मिड डे मील की व्यवस्था क्या होगी, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी व्यवस्था क्या होगी, आइए दोस्तों देखते हैं पत्र के आलोक में पूरी की पूरी बातें, पूरी की पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, भारत सरकार से पत्र जारी हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, शास्त्री भवन नई दिल्ली से 7 अक्टूबर वर्ष 2022 को पत्र निर्गत हुआ है। और यहाँ पे विषय है रिवीजन ऑफ मटेरियल कॉस्ट अर्लियर नोन एज कुकिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 9.6% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 ड्यूरिंग 2022-23 अंडर पीएम पोषण स्कीम। तो दोस्तों, यहाँ पे बात आपको केवल समझनी यही है कि जो अक्टूबर 2022 जिसकी शुरुआत हो चुकी है 1 अक्टूबर 2022 से, अब जो कन्वर्जन कास्ट है, जो मटेरियल कॉस्ट है, वो बदल जाएगी। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो उत्तरी पूर्वी के राज्य हैं, चाहे वो असम हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे सिक्किम हो, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पे 90% केंद्र सरकार पैसा देती है, 10% राज्य सरकार देती है। वहीं 2 हिमालयन स्टेट्स हैं, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, वहाँ 100% भारत सरकार फंडिंग करती है। और यूनियन टेरिटरीज़ विदाउट लेजिस्लेचर, यानी केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे व्यवस्थापिका नहीं है, विधायिका नहीं है, वहाँ पर भी 100% फंडिंग होती है। अन्य जो भी भारत के राज्य हैं, वहाँ पे 60% केंद्र सरकार मिलाती है, 40% राज्य सरकारें मिलाती हैं। तो अब बाल वाटिका, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो दर होगी, जो परिवर्तन लागत की दर होगी, वो दोस्तों बदलने वाली है और वो बदल गई है। इस जो मैनेजमेंट कॉस्ट है या मटेरियल कॉस्ट है, उसके माध्यम से आप जैसे कि जानते हैं कि बच्चों के लिए पका पकाया भोजन दोपहर में देना होता है, उसके लिए सब्जी, मसाले, तेल के अलावा ईंधन की आपूर्ति की जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों चेंज क्या आया है। चेंज ये आया है कि प्राथमिक पाठशालाओं में अब 5.45 रुपया हो जाएगा, यानी अगर 100 बच्चे हैं, एक दिन भोजन बनता है, तो 545 रुपये ये परिवर्तन लागत होगी, मटेरियल कॉस्ट होगी। अपर प्राइमरी स्कूल में 8.17 रुपये हो जाएंगे, यानी 100 बच्चे का अगर भोजन बनता है तो 817 रुपये उन्हें मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, जो उत्तरी पूर्वी राज्य नहीं हैं, जहाँ पे व्यवस्थापिका है, विधायिका है, वहाँ पे 60% केंद्र सरकार मिलाता है, 40% राज्य सरकारें, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। और वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के अलावा 2 हिमालयन स्टेट्स हैं, जो कि उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर हैं, वहाँ 90% केंद्र सरकार पैसा देती है, 10% राज्य सरकार। और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पे विधायिका नहीं, वहाँ 100% फंडिंग होती है। अब 5.45 रुपये प्राथमिक विद्यालय या और बाल वाटिका के लिए, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 8.17 रुपये प्रत्येक बच्चे का कुकिंग कास्ट या मटेरियल कॉस्ट, या जो भी हम इसे नाम दे दें, मैनेजमेंट कॉस्ट, चूँकि मैनेज करना होता है इन सब चीज़ों को, आपको सब्जी मैनेज करना होता है, आपको पल्सेस मैनेज करना होता है,
आपको ऑयल मैनेज करना पड़ता है, स्पाइसेस मैनेज करने होते हैं इसी पैसे पे। द एबव मटेरियल कॉस्ट रेट्स इंडिकेट द मिनिमम मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरीज एडमिनिस्ट्रेशंस। हाउएवर स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज में कंट्रीब्यूट मोर देन देयर प्रेस्क्राइब्ड शेयर एज सम स्टेट्स आर यूनियन टेरेटरीज हैड बीन कंट्रीब्यूटिंग मोर देन देयर मिनिमम मैंडेटरी शेयर फॉर देयर ओन रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग मील्स विद ऑगमेंटेड न्यूट्रिशन अंडर पीएम पोषण स्कीम। ये तो दोस्तों पैसा लगाया ही जाता है, इसके अलावा राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। कहने का भाव ये है, कहीं कहीं राज्य सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को सोमवार को फल का पैसा देती है, स्वयं देती है। इसमें ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार 60% मिला रही तो राज्य सरकारें 40% ही मिलाएं। राज्य सरकारें अपना जो शेयर है उसे बढ़ा भी सकती हैं। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पर कमेंट करिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे।